पुंछ सेक्टर में हुई मुठभेड़ को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। सेना की गिरफ्त में ही आतंकी ने तोड़ा दम। भारतीय सेना को मिल सकती थी आतंकियों से जुड़ी सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, सुबह वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि पुंछ सेक्टर में सेना की गाड़ियों के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से 5 से लेकर 10 की संख्या में आतंकी है जो कि जंगल की तरफ हमला करने के पश्चात भाग चुके हैं और सेना उनके पीछे अपने पैरा कमांडोज को लेकर जंगल में सर्च ऑपरेशन करने के लिए गई है। परंतु अभी हाल फिलहाल में सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकियों का कोई भी पता नहीं चल पाया है। परंतु इसी बीच मुठभेड़ को लेकर मैंने आपको एक खबर बताई थी कि जो आतंकवादी सेना पकड़ के ले जा रही थी वो इसमें गंभीर रूप से घायल हो चुका है और अभी इसी आतंकवादी को लेकर जिसका नाम जिया मुस्तफा बताया जा रहा है उसके मरने की खबर सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी कहेंगे कि आतंकवादी ही तो मरा है, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? दरअसल दोस्तों, जिया मुस्तफा नाम का यह आतंकी 14 साल से सजा काट रहा था और सेना के द्वारा इससे जब पूछताछ की गई तो इसने आतंकियों को लेकर बहुत सारे खुलासे किए और इसके पास आतंकवादियों को लेकर सभी प्रकार की जानकारी थी और यह भी जानता था कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में किस किस लोकेशन पर छुपे हुए हैं और कहां कहां से आतंकवादियों को मदद होती है। इसके साथ ही जो 13 साल पुराना खूंखार आतंकी भारतीय सेना से बचा रहा और अब जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसने गजनवी फोर्स नाम की एक आतंकियों का संगठन बनाया और आज वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवा रहा है, उसके बारे में भी कई सारी जानकारी इस आतंकवादियों को थी और इसी की भनक लग गई आतंकवादियों को और जिसके कारण से भारतीय आर्मी की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ जिसमें जिया मुस्तफा मारा जा चुका है। दोस्तों, यदि जिया मुस्तफा जिंदा होता तो आज सेना उसके माध्यम से आतंकवादियों से जुड़ी सारी खबरें निकाल लेती और जो इसका सरगना है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उस तक भी पहुंच सकती थी। परंतु आतंकवादियों ने बहुत ही सोच समझ कर जिया मुस्तफा को अपने रास्ते से हटाया है। परंतु दोस्तों, भारतीय जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और कभी न कभी तो आतंकवादियों के गिरेबान तक भारतीय सेना के हाथ पहुंच ही जाएंगे। बाकी जम्मू कश्मीर की हर खबर के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।